हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डे डाइस विद चौहान सिस्टर. तो इंसिस्ट ऑफ रितु समबडी एल्स इज देयर विद मी दिस टाइम इज सुषमा. सो वी केम हेयर टू हैव समथिंग एंड वी आर इन चर्च स्ट्रीट. वी आर सर्चिंग व्हाट टू ईट, वेयर टू गो एंड लेट्स सी. सो हेयर इज आवर फूड. सुषमा प्लीज डू अ फेवर एंड ओपन ऑल द बॉक्सेस. और यहाँ आप देख सकते हो हम लोगों ने क्या क्या ऑर्डर किया है. ये है हमारा फ्लैट नूडल्स और इसमें हम लोगों ने कस्टमाइज़ कराया है. जो जो हमें सॉसेज चाहिए थे, जो वेजीज चाहिए थे, वो हम लोगों ने यहाँ पे करवाया है. नेक्स्ट है ड्रम्स ऑफ हेवन. और ये बहुत यमी दिख रहा है और था भी ये यमी. और अब है नेक्स्ट, ये था वेज मोमोज. वैसे मैं वेज खाती हूँ लेकिन सुषमा को खाना था तो आई वॉज़ लाइक यू बेटर है वेज शेयर कर सकते दोनों. नॉन वेज सिर्फ मुझे खाना पड़ता तो हम लोगों ने ये लिया, ये भी अच्छा था. और लास्ट है हमारा मशरूम मंचूरियन. और ये हमारी कंप्लीट मील है. आप देख सकते हो कितना यमी यमी फूड है. जितना दिख रहा है उतना अच्छा था. ये हम लोग आए थे जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट, यहाँ पे सब चाइनीज़ फूड मिलता है. तो अब आपको टेस्ट करते हैं और दिखाते हैं ये क्या क्या. हमारे रिएक्शन से आपको पता चल जाएगा कि कितना यमी है और कितना न्यूट्रल है. इस जगह का नाम है मैंड्रिन बॉक्स, जो चर्च स्ट्रीट पर है. और यहाँ पे सिर्फ चाइनीज फूड मिलता है. और अच्छा, आप देख सकते हो इसका एटमॉस्फेयर कैसा है. बाहर इसका डाइनिंग भी अलाउड अंदर है और ये ओपन स्पेस है. हम लोग ओपन स्पेस पे बैठे थे, जरा चिल आउट अच्छा पार करने में मज़ा आ रहा था. मौसम भी अच्छा था काफ़ी और अच्छी प्लेस है. आप जहाँ पर ट्राई कर सकते हो. उसके प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है, नॉर्मल है प्राइस है. और फूड बहुत अच्छा है, मतलब टेस्ट है. तो आप यहाँ ज़रूर ट्राई कर सकते हो, आ सकते हो. सुषमा, out of 10, how much you will give rating to this? I'll give almost 8.5. It was fine, okay. And you will get all Chinese food here. And everything is customized. You can customize as per your taste. So you can try for sure. You can make your own box. Yeah. And they are serving in the box. So if you want to take, you can take also. और यहाँ हम लोग निकल गए हैं पैदल थोड़ा मार्केट में एक्सप्लोर करने के लिए. सोच रहे थे कुछ शॉपिंग कर रहे हैं और बस हम घूमते रहे. काफ़ी हम लोग घूमा और थक गए. फिर हमें लगा थोड़ी और बातें करनी है बैठ के आराम से, तो हम लोग यहाँ आ गए हैं स्टारबक्स. और यहाँ पे फिर दोबारा हम लोगों ने कुछ ऑर्डर किया. ऑब्वियसली जाके ऐसे तो बैठ नहीं सकते हैं, तो हम लोग ने यहाँ पे कॉफ़ी ऑर्डर की है अपनी अपनी. और कुछ स्नैक्स में भी ऑर्डर कर लिया है. भुक्कड़ है हम लोग क्योंकि और अच्छा था यहाँ का भी हम लोग का एक्सपीरियंस. यहाँ पे इतनी बातें की. वैसे भी अब लोग जब फ्रेंड्स से मिलते हैं तो कितनी बातें करते हैं ना, सब कुछ भूल जाते हैं. ऐसा ही हमारे साथ हुआ. काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिले थे तो हम लोगों ने पक 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 करके पूरा दिन हम लोग का कहाँ चला गया कुछ पता नहीं चला. बस हम लोग यहाँ पे अपनी कॉफ़ी पी रहे हैं, पक पक कर रहे हैं. और ये था हमारा पूरा दिन. बैंगलोर का ट्रैफिक ऐसे ही है, सब नॉर्मल हो गया है, लग रहा है ट्रैफिक देख के. और आज मैं अपने फ्रेंड से मिली हूँ. मैं ब्लॉग नहीं, मतलब मैं शूट नहीं करने वाली थी मगर मैंने शूट किया. तो क्योंकि जिस रेस्टोरेंट में जाती थी मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को रिव्यू दे दूँ उसका, एटलीस्ट थोड़ा बहुत दिखा दूँ. तो अच्छा था ओवरऑल. और इसी वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ क्योंकि ट्रैफिक में हूँ, घर जा रही हूँ. देखा आपने ऐसे ट्रैफिक, ऑटो में हूँ मैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय.